2023 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जिसे सरकार ने जारी किया है। चलिए क्लास कक्षा 10 का है और ये अनिवार्य विषय यानी विज्ञान का है और ये इंस्ट्रक्शन आप खुद भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड किए नहीं है तो अभी तक कर लीजिए क्योंकि डाउनलोड करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक अधिक है। सबको पता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल उत्तल के बारे में आप भूरा चाल पढ़े हैं तो अभी समझाने वाला मैं नहीं हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए अगला, तीसरा, किस लेंस का मुख्य फोकस की संख्या किसी लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी तीन हो जाएगा, इसका आंसर तीन होती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? इस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। चौथा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण। चलिए इसके सवाल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप सारे प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न में है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर के बीच संबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बाई टू, यानी फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए छठा, निम्नलिखित में से किसी लेंस किस लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं, यानी अभी सारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं। चलिए सातवां नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो सातवां आंसर हो जाएगा बैंगनी, और सबसे अधिक होता है लाल का। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन को दिखाता है। अपवर्तन होता है तभी प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, टिमटिमाते हुए तारा प्रतीत होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किससे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और निर्वात से थोड़ा कम वायु में होता है। प्रकाश में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, स्थितिज ऊर्जा को। 12, मेरा मकसद है जल्दी से सारे क्वेश्चन को बता देना, बाकी अगर आपको समझना है किसी चैप्टर में तो भरपूर वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आगे देख सकते हैं। 12, चलिए 12 नंबर, जलता हुआ मोमबत्ती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। 13, एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान वाहक बल की तुलना में हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कम हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, श्रेणी क्रम में। चलिए 15 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वह होता है किस मटेरियल का? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी नरम लोहा होता है वो। 16 नंबर देख लीजिए, उच्चावच ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। 17 देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की वाली युक्ति है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को डायरेक्ट बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। पवन विद्युत जनित पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 19, सेल का विद्युत वाहक बल है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। 20 नंबर पे चलिए, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट। चलिए, वर्ण विच्छेद असंभव है? तो किसमें असंभव है? तो फाइबर में कभी नहीं हो सकता, कांच जल और निर्वात में तो होता ही है। चलिए, वायु में रखा गया कांच का प्रिज्म अपवर्तित किरणों को मोड़ देता है, कहाँ मोड़ता है वो? तो आधार की ओर मोड़ता है। चलिए, और ये बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। तो 23 का आंसर इस तरह का, अगर आपको आता होगा तो आप थोड़ा सोच के बता सकते हैं, वीडियो आप रोक सकते हैं सोचने के लिए। 23 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 24, खाना खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बहुत आसान, NaHCO3। चलिए अगला, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा हो जाएगा, जो कि थर्मामीटर में रहता है, पुराना वाला थर्मामीटर में। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो देखिएगा उसमें उछलते रहेगा वो पारा। चलिए, अपवर्ती सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हीलियम। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? ये इसका आंसर हो जाएगा पी। चलिए 28, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चा जानता है इस चीज़ को। 29, गंधक का परमाणु संख्या है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 16। 30 नंबर, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करती है, क्योंकि अम्ल जल में अनियत
आयन, हाँ आयनियत, एच प्लस आयन देता है जल में अम्ल घुल के, तो ये पूरा नहीं लिखा गया, छोटा सा है, तो बी हो जाएगा इसका। अच्छा ए हो जाएगा, यहाँ पे ए रहना चाहिए लेकिन बी ही टाइप हो गया, छोड़िए। बिहार बोर्ड इसको बनाया है। 31 नंबर, अधिकतर धातुओं को ऑक्साइड होते हैं तो छारीय, बहुत ही सिंपल है ये सब, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब, कुछ क्वेश्चन यकीनन हार्ड है लेकिन ज़्यादातर ईजी ही है। चलिए, सोने में निम्नलिखित में से कौन से धातु मिलाकर आपको पता होगा कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना नहीं होता है, सोना शुद्ध 22 कैरेट ही होता है, 2 कैरेट उसमें मिलावट होता है ताकि सोना को बनाया जा सके, वरना कोई गहना बनेगा ही नहीं। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कॉपर मिलाया जाता है उसमें। 33 NaCl, ये भी जो भी रासायनिक अभिक्रिया है आप इसको वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो 33 का आंसर हो जाएगा, थोड़ा सोच लीजिए, तो सी हो जाएगा, द्विविस्थापन। कोई बात नहीं, अगर आप इस प्रश्न को नहीं समझ रहे हैं कार्बन वाले चैप्टर से, अगर आप कोई नहीं पढ़े हैं पूरा साल अच्छे से किसी कारणवश, कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन रहेगा छोड़ने का, तो आप, क्योंकि अगर आप चाहेगा एक दो दिन में जैसे तैसे कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर को पढ़ ले, तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। अगर समय कम है, एग्जाम से जस्ट एक दो दिन पहले आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि छोड़ने का ऑप्शन आपको देता है एग्जामिनर। 34 क्या है, सिलिकन क्या है, तो सिलिकन है एक उपधातु। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 35 नंबर, वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्णतः भरे होते हैं वे कहलाते हैं, तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्कृष्ट गैस। खड़िया का रासायनिक सूत्र है, खड़िया मतलब क्या होता है, चलिए देख थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, चौक, तो चौक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी CaCO3। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो शायद इसका SO2। 38 नंबर, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी। कोई बात नहीं, अगर आपको इस तरह का प्रश्न नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चैप्टर तो है जो केमिस्ट्री में थोड़ा सा हार्ड है। चलिए, 39 का, ये बताइए इसका IUPAC नाम क्या है, तो 39 का हो जाएगा ए, मेथॉक्सी एथेन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो 40 का हो जाएगा सी, एथेनॉल। अगला 41, चलिए, सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा बी। 42, धोबिया सोडा यानी धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए, इसको सबसे बढ़िया तरीका, ये क्वेश्चन है तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो है उसमें टिक कर दीजिए, वही हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा होता है, देख रहे हैं सब छोटा छोटा, यही बड़ा है, सब सिंपल तरीका, बाकी आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, कोई हार्ड तो है नहीं। अम्लराज के सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 1:3, तो 1:3 ये रहा ऑप्शन 1। चलिए, हो गया इसका आंसर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, अभिकारक, और जो बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। चलिए, 45 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड को पहचानना है, तो SO2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले, तो इसका क्या है, 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो अम्ल भस्म वाले चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, तो 46 का क्षार। चलिए, 47, चलिए, स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान होता है, तो 47 का हो जाएगा सी। चलिए, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है, तो जल में घुलने वाला बताना है कौन सा है, तो 48 का आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज जल में घुलनशील होता है। 49, निम्नलिखित में से कौन अम्लगम है, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए, 50 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कॉपर। इक्यावन नंबर, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां कहलाती हैं, डी यानी धमनियां। सर, आप गलती भी नहीं मारिएगा, धमनी ही होगा इसका आंसर। 52, रक्त के हल्के पीले एकदम इजी है, प्लाज्मा हो जाएगा। 53, किसी पौधे के पत्तियों पर स्टोमाटा उपस्थित होते हैं, कहाँ पर रहता है उपस्थित, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, यानी यहाँ पे। चलिए, मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस आंसर बता रहा हूँ आपको, ताकि आप मिला सके कि आपका कितना सही हुआ। 54, किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है, तो यीस्ट में होता है किण्वन, अगर आप अल्कोहल बनाने की विधि समझते होंगे तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। चलिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फल।
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये तो सबको आना चाहिए, बहुत ही आसान है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6। चलिए 57, निम्नलिखित में से किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषी इकाई होते हैं, तो 57 का आंसर हो जाएगा सी यानी क्लोरोफिल। चलिए अंडोत्सर्ग का कारण होता है, तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी LH। 59 में चलिए, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, ध्यान से पढ़िए, तो 59 का आंसर हो जाएगा सी यानी यीस्ट में नहीं होता है, द्विखंडन द्वारा अमीबा में होता है, सबसे फेमस अमीबा है द्विखंडन के मामले में। चलिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बताया, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, क्योंकि इसी माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है, अब सिक्स क्लास में पढ़ेंगे इसको, और ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए भोजन के पाचन निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका बहुत ही आसान, आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए 62, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय रस में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, इसी में खाना पचता है, बहुत ही सिंपल है, ये सब 6-7 क्लास में रहता है। मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ बहुत ही आसान, मुख गुहा यानी मुंह से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब हम चबाते हैं, तो बहुत ईजी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है, तो 65 नंबर का आंसर हो जाएगा बी यानी लाइपेज। चलिए 66 नंबर चलते हैं, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कोशिका द्रव्य में। चलिए 67 नंबर चलते, ओजोन परत होती है, बहुत अच्छी होती है, लाभदायक होता है, क्योंकि यही परवैज्ञानिक किरण को अल्ट्रावायलेट रेज होता है उसको बाहर करती है। 68, निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है, तो नर प्रजनन अंग आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पुंकेसर। पौधे के श्वसन के अंतर्गत ATP के टूटने में से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा कितनी मुक्त होती है आपको ये बताना है, तो 69 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 70 में चलिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो 70 का आंसर हो जाएगा बी यानी ओबाइबियस। देखिए कुछ प्रश्न आपको कठिन लग रहा होगा, अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे फिर भी, तो कोई टेंशन नहीं लेना, आपको गांठ बांध लेना एक बात की, 70 प्रश्न है ना, तो 50 परसेंट जो एक्स्ट्रा प्रश्न है उस 50 परसेंट का 90 प्रश्न इतना हार है कि उसे समझ बचाने के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो कभी भी हवा में नहीं रहेगी आधा, तो एक्स्ट्रा फूल मतलब आधा बनाना आधा नहीं बनाना, तो हम कम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसा जो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया उसमें ज्यादा ऑप्शन क्या है, थोड़ा हार्ड ही है, तो जो कि समझ बच्चे नहीं बना सकते, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। 71, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिका श्वसन गैस के परिवहन में भाग लेती है, तो 71 का आंसर हो जाएगा ए यानी लाल रक्त कणिकाएं। मैं एकदम स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ, आपको यही सजेशन दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा और अच्छा ध्यान दे दीजिए। 72 बस इजी ऑब्जेक्टिव है, अगर आप छाट बनाइए तो आपको पूरा बन जाएगा, आप नहीं छोटेगा, आप पढ़ने वाले बच्चे, एवरेज बच्चे हैं, तो भी उसे कोई हार्ड नहीं है, आपको लगा बजट लगा होगा तो मैं समझा दे रहा हूँ, एक ऑप्शन है तो वो हार्ड ही सबको ऑब्जेक्टिव में बाजी मारेगा। 72 देखिए, 72 का 72 क्वेश्चन पहले पढ़ते, पादप अब से जमा होते आपको पता होना चाहिए सब जगह, छाल में पत्ती में, छाल जनरली ज्यादा फेमस है, लेकिन सब जगह होता है। 73, मनुष्य के आहार में कौन से भाग में एंजाइम साबित नहीं होता है, मुंह में होता है, लार के माध्यम से, आमाशय में भी होता है, ग्रास में भी होता है। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है, 74 का आंसर बी यानी ADH। 75 देखिए, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है, तो 75 का आंसर हो जाएगा, चलिए 75 का आंसर डी मान लीजिए, यही होगा डी होगा इसका आंसर। 76 पे चलते हैं, चलिए मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो श्वसन तंत्र नहीं मानिए आप, परिवहन तंत्र मानिए, क्योंकि परिवहन मानव हृदय से ही होता है। चलिए जीव विज्ञान की भाषा जो कि गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं, तो 77 का आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, 78 नंबर पे, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है, कितना इजी क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑक्सीजन, घबराइए नहीं, आधा क्वेश्चन इजी रहेगा, जो कि आप छाट के बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके लिए। 79 देखिए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 79 का आंसर है, ग्लूकोज का सूत्र अगर आपको याद है तो आप फट से बता सकते हैं, तो ग्लूकोज में C6 होता है, तो C6। चलिए अंतिम प्रश्न 80 नंबर, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, तो 80 का आंसर है मेंडुला में। चलिए 80 बाकी प्रैक्टिकल में 20 ले आइएगा, और अगर आप सब्जेक्ट का भी आंसर चाहते हैं एकदम बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें आप इसके सॉल्व कर सकते हैं, वहीं के वहीं याद कर सकते हैं, जरूर कमेंट कीजिए, और बाकी विषय का इसी तरह से कम समय में, देखिए कितना कम टाइम लेके मैं पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर बता दूं, अगर चाहता है तो मार्क्स के तो उतना नहीं होता कि मिला सके, और टेस्ट की तरह अगर बाकी जो भी ऑब्जेक्ट इसका मॉडल पेपर है आप सॉल्व नहीं किया, खुद से सॉल्व कीजिए, उसका मेरा वीडियो देखिए उसको मिला लीजिए। धन्यवाद, बाकी वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं।